अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेजबान हुआ खालिद। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो। जैसे कि रमजानुल मुबारक का खूबसूरत महीना गुजर रहा है और लोग ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं, इसी दौरान हमारी कुछ ऐसे माए बहने भी हैं, ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि शायद ईद के लिए चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कि शायद लोगों के आगे जाकर अपने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो कि खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, मगर इतना नहीं अफोर्ड कर पाते कि हमारी तरह वो महंगे कपड़े जूते पहन सके। तो उन्हीं सब लोगों के लिए आज एक ईद फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है, जिसमें वो लोग आते हैं। मेरे पीछे आपको ये फैमिलीज नजर आ रही है, खूबसूरत खूबसूरत से बच्चे नजर आ रहे हैं। ये सब अपनी ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। किस तरीके से ये शॉपिंग करते हैं और इनको किस तरीके से प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें दी जाती है, वो सारे मामलात में आपको दिखाती हूँ। तो ये इनकी इंतजामिया है, इन लोगों की अभी बारी आनी है और जिन लोगों की बारी आ चुकी है वो यहाँ पर आकर अपने फॉर्म जो है वो फिल करवाते हैं। उनको जो है फॉर्म फिल करने के बाद ये एक फॉर्म दिखाइएगा। ये जी फॉर्म है फ्री शॉपिंग के लिए, इस फॉर्म को फिल किया जाता है। उसके अंदर इनकी सारी इंफॉर्मेशन है कि वह बेवा है, वो उनके बच्चे यतीम है, उनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। इन सारे फॉर्म के बाद जब वो लोग यहाँ से गुजरते हैं, इस रास्ते को क्रॉस करती हैं, फैमिलीज आती हैं, तो यहाँ पर इनका खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाए? अच्छा, ये सिर्फ मेरा इस्तकबाल हुआ है कि हर आने वाली फैमिली का, हर आने वाली फैमिली का ऐसे ही होता है? चलो जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये देखिए जी, मजेदार से खूबसूरत से खुशबू वाले फूल यहाँ पर लोगों को सर्व किए जाते हैं। उसके बाद आप इज्जत से, इज्जत नफ्स आपकी मजरू ना हो, आप इस तरीके से दाखिल होते हैं और यहाँ पर ईद मेला जो है वहाँ पर नजर आ जाता है। यहाँ पर रौनकें माशाल्लाह इतनी अच्छी है और बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है वो सबसे ज्यादा अलग होती है। तो सबसे पहले आ जाए, यहाँ से ये इवेंट शुरू होता है, शॉपिंग हो रही है। ये बच्चों के कपड़े यहाँ पर है, यहाँ पर कपड़े सिलेक्ट भी करवाए जा रहे हैं। ये देखे बच्चे को सूट पूरा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पसंद आ रहे? जी पसंद है। अच्छा, अपनी मर्जी का सूट पसंद किया? जी हमने अपनी मर्जी का किया। आपने अपना ले लिया? नहीं, बच्चों की शॉपिंग का है। अपना कब लेना है? अपने नहीं है। अपने नहीं लेने? नहीं, इस शॉपिंग का ले लिया? नहीं, अभी तो रुक रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखे कपड़े पसंद कर रहे हो? बताओ बताओ, क्या लेने आए हो आप? बोलो, भी जूता लेने आए हो? देखिए उसके बाद ये बोल रहा नहीं है, उनको चप्पल भी लेके देंगे क्योंकि कोई यहाँ से मेरे रूम नहीं जाएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, खूबसूरत कपड़े हैं, कोई मारे कपड़े नहीं है माशाल्लाह। ये देखे क्वालिटी बुरी नहीं है, ऐसे कपड़े हैं कि बड़े लोग अपनी फैमिलीज के लिए जो ये अपने बच्चों को घर पे पहनाते हैं उसी तरह के कपड़े हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चों, लड़कों के हैं सबसे ज्यादा, शलवारें कमीजें और पेंटे शर्ट है, लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कपड़े। उसी के बाद ये सबसे ज्यादा रश भाई लड़कियों के इस किधर ही मिलेगा। अभी भी यहाँ पर खवातीन का रश है, खवातीन कभी भी कोई एक चीज नहीं पूरा कर सकता इनको। बड़े खूबसूरत खूबसूरत से पर्स है, ये देखें। मैं भी जा रही हूँ, वैसे भी शॉपिंग की जरूरत है। अच्छा, इतने प्यारे प्यारी चीजें हैं कि ये कैप भी मैंने यहीं से उठा के पहनी है, आप यकीन करेंगे? यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हैं। ये एक आंटी है, इन्होंने भी बच्चियों के लिए फ्रॉक ले ली है, बच्चों के कैचर हो, चूड़ियाँ है, चीजें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, कोई बच्चा बात नहीं करता। यहाँ पर भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें हैं बच्चों की। पीने के लिए फिल्टर का यहाँ पर पानी मौजूद है, बच्चों के जूते, लड़कों के जूते, लड़कियों का सबसे ज्यादा रश है भाई। मेरे पीछे देख रहे हर तरफ रश ही रश है, लड़कियों का ही रश है सबसे ज्यादा। इतने इतने कपड़े लेके जा रही हो? वालेकुम सलाम, मुझे भी एक आधा लेना यार, मैं आपको तो दिला रही हूँ। अच्छा, ये खुद दिला रही है, कैसे है आप हेल्प कर रही है सबकी? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या, कहाँ लेके जा रही हो? अपने लिए तो नहीं लेके जा रही हो चुप करके? नहीं नहीं, मैं उनको कोच जो है ना, उनको खुद उठा कर उनको छोड़ के आते हैं, उनको आगे से हम रिसीव करते हैं, फिर उनको गेट तक पास करके आते हैं, उनको छोड़ के आते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह वीआईपी सर्विस भी जा रही है, कपड़े उठा रही है और साथ साथ घूम रही है। जी जी, जो शॉपिंग करेंगी जी, इनको साथ गाइड भी करते हैं। ये नहीं अच्छा लग रहा आपको, ये अच्छा लग रहा, तो इनको गाइड किया जाता है। क्या बात है, माशाल्लाह यहाँ पर भाई मेहंदी भी है। ये देखे, ईद पर सबसे अहम होती है खवातीन के लिए मेहंदी, खुद भी लगा रही है साथ साथ। नहीं, हम दे रहे हैं बच्चा। अच्छा दे रहे हैं क्या? कितनी मेहंदियाँ बिक गई अब तक, मतलब फ्री में जो गई? हाँ, बहुत ज्यादा गई है माशाल्लाह से। आपने खुद भी अपने लिए ली है? नहीं नहीं, हम अपने लिए नहीं, हम देंगे जो आते हैं। आपको क्या लगता है ईद पर खवातीन के लिए मेहंदी क्या करदार अदा करती है? बहुत मेहंदी तो और ईद ही होती। प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत से कपड़े हैं, स्ट्रॉलर्स हैं, आप अपने जैसे स्ट्रोलर है वैसे स्ट्रोलर लेके घूम सकते हैं, आपको हर तरीके का यहाँ पे स्ट्रोलर मिलेगा। यहाँ पर जूते भी हैं, हर तरह का जूता है। लड़कियों को सबसे ज्यादा जूते पसंद होते हैं, पहनने में और खिलाने में भी।
मतलब दूसरों को। तो आप ये बाजार कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और ये वाला सूट मैंने आते ही देखा था, बड़ा खूबसूरत है भाई। देखो ऐसे कपड़े बताए आपको, इतने खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ पर कपड़े हैं, हर चीज बहुत खूबसूरत है, बच्चों के लिए हर चीज है, बड़ों के लिए हर चीज है। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। वसरा।